खुशबू कुमारी को क्या होता है भाई? अभी क्या हो रहा है बता मेरे को, अभी बता दे तेरे को कुछ हो रहा है तो। अभी दर्द है इस टाइम आंखों में देखना है। डॉक्टर क्या बता रहा है खुशबू को? सिर में माइग्रेन बता। अभी देखो माइग्रेन का। तो वहां डालो दान पात्र में। ऐसी मानो भैया के पास मशीन है जो साथ साथ चेक करेगी, साथ साथ कम भी करेगी दर्द को। डॉक्टर चेक करे पहले करेगा दर्द कम हो चाहे ना हो, और चेकिंग में ही दुनिया भर के पैसे लग जाते हैं। अब उसके सारे शरीर के दर्द गायब हो गए, एक हाथ में हल्की झंझनाहट रहेगी। ठीक इतनी बहुत ज़्यादा ठीक है, फिर भी कह रहा है वैसे मुझे यकीन नहीं आता। पत्नी का दर्द साथ साथ गायब हो गए देखो। हाँ खुशबू कहाँ दर्द बेटी? अभी कितना दर्द है, कम हुआ? आंखें बंद करो। ये इसी के हैं सारे टेस्ट जी? डॉक्टर ने क्या क्या बता रखा है? थायराइड इसमें बोला था, थायराइड। हाँ कितने साल से दवाई खा रही है? एक साल से। कहाँ लगी खुशबू? पूरे शरीर में दर्द है सिर में। अभी अभी तो कह रही थी सर का दर्द नहीं जा रहा, आप कहाँ गया? नाखें बंद करो। अच्छा बेटे नाक को नहीं ढीला छोड़ना है, अंदर फूंक आए तो आने देना। कौन सा माइग्रेन है समझ में आ गया? सारी उम्र डॉक्टर 50-100 साल 10 साल 90 साल 1,00,000 वर्ष इसको दवाई देगा तो भी तेरी बेटी ठीक नहीं होगी। कुछ नाम सर में दर्द है क्या? मैंने दवाई तो नहीं दी है, फिर दर्द कैसे चला गया बेटे बताओ? अभी कहाँ दर्द है इस टाइम? अब ले आएगा, उसका दम घुटेगा तो तेरा भी घुटेगा ना। वो मुंह खोल, अब कंपन हो जाएगी तुझे, थोड़ी पीछे रहो, इससे गिर सकती है लड़की। घबराहट हुई है? ले आ गया, ले आ गया राम वृक्ष। तेरे इस रोग को कौन डॉक्टर ठीक कर पाएगा दुनिया में? क्या बताएगा? इस लड़की को पागल तक घोषित कर देगा। लास्ट में इसको क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगाएगा और फिर पागल खाने में बंद कर देगा। उसको कारण नहीं जिसको पता, वो चिकित्सक हो कैसे सकता है? मेरा मानना ये है, उसको चिकित्सक घोषित क्यों किया जा रहा है भारत में? भारत की सरकार बताए, जिसको कारण नहीं पता वो रोग ठीक करेगा? रोग ठीक हो जाएगा क्या? फिर वो चिकित्सक कैसा है? फिर वो नीच है, पापी है, अधम है, उसको लूट के खा रहा है, बिना बात के टेस्ट करा रहा है। कितने कितना पैसा इसके ऊपर खर्च कर चुका है? 50-60 हज़ार। कितने दिनों में? साल ऐसे ले जा गले में।
खून की उल्टियाँ भी करते हैं। ओ सब बंद हो जाएगा। आज ये गले में चिपक रहा था कि नहीं, अब इसके सांस लेने में दिक्कत हो रही थी कि नहीं, तो खून की उल्टियाँ मैं करूँगा या ये करेगी? यहाँ भी दर्द होता है। फिर अरे भाई, जिस बच्चे को खून की उल्टी हो रही थी वो है क्या यहाँ? एक छोटा बच्चा जिसको खून की उल्टी हो रही थी वो है क्या यहाँ? अब देखो खुशबू कहाँ दर्द है। तीन राउंड मारते जोर से पैर मार के बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, जा या पैरों की जान निकलने को हो जाएगी। जोर से मारना, जोर से। वो बाद में करा दे, वो रोज कहा है। मैं कल संजय ने लड़की एक कार देख लिया ना, तो मैं देखता नहीं है। आ जाओ इधर, तो भाई वो टंकी भर गई है वहाँ, क्या तो बंद करो या कुछ करो इसको। उसके बाद से आने के बाद कोई भी उल्टी हुई है? नहीं हुई, बट ऐसे लगता है ऐसे मुँह में भूख मारूँगा ना तो वो अंदर पी नहीं है, ठीक है? तो आज ही उल्टी बंद हो जाएगी, ऐसे गले में। गई अंदर तक। अब बेटे ये देख दर्द कहाँ हो रहा है, स्टोर हो रहा पेट में ना हो रहा है? अभी देखो चला जाएगा। शरीर की वायु को शुद्ध किए बिना नाड़ी के दोष नहीं जाते, रोग नहीं जाएगा, इसलिए सब कुछ शुद्ध करना पड़ेगा। वायु को शुद्ध करना पड़ेगा, कुपित वायु को शरीर से निकालना पड़ेगा, तभी बंद होगा। ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जो 6-6 महीने से उल्टी कर रहे थे, डॉक्टरों से कभी बंद नहीं हुए। एक खून की उल्टी वाला भी आया था पहले, बहुत पहले, एक लड़का, हमारी वीडियो भी पड़ी होगी, लेकिन वो भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो जाएगा। दर्द कहाँ है बेटे, अब बताना है? अब नहीं है ना, देख ले इसको। इसका मतलब इसको जो दर्द कर रहा है पेट में वो कोई और है, वो इसका गला पकड़ के इसको खून की उल्टियाँ भी करा रहा है। साथ छोड़ देता है। अब दर्द है कहीं? खड़ा हो के चल, अपने आप खड़ा हो, आ जा। कॉफी दिया मैंने तेरे को, हैं? ले, नाम दिया मैंने तेरे को, ले चल जा। अरे यही नहीं है, फिर आऊँगा मैं शाम को, देखो ठीक है? यही रखो इसको 2-4 दिन, चलो तालियां बजा दो भाई इसके लिए, तो बजाओ। बोलो शनिदेव महाराज की जय। खुशबू दर्द बताओ कहाँ है पूरे शरीर में, कण मात्र भी दर्द नहीं है। बोलिए शनि देव महाराज की। अब तो पढ़े लिखे हैं बेटे, कहाँ तक पढ़े हुए? 12th में, 12th का बच्चा समझता तो है। अपने शरीर का सभी को ज्ञान होता है, क्यों ज्ञान होता है, कैसे ज्ञान होता है, हम कैसे माने कि किसी चीटे ने हमारे पैर में काट लिया या चीटी ने? हमारा ध्यान तुरंत वहीं चला जाएगा पैर में, ठीक है ना? लेकिन कोई आदमी अगर ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, तब डॉक्टर कहता ना भाई ये तेरे को दर्द है नहीं, तेरे को सीजियोफ्रेनिया है, दर्द का भ्रम हो गया। जबकि उसी आदमी को जरा सी पिन मारोगे ना एकदम से वो पैर हटाएगा, तो फिर भ्रम कहाँ हुआ भाई? जब उसको नए दर्द का आभास है तो पुराने का नहीं होगा। इसका मतलब डॉक्टर झूठ बोलता है, झूठ पेलता है, झूठ धकेलता है। इसका मतलब वो होशियारी कर रहा है, उसको रोग का पता ही नहीं है। इसका मतलब वो बिना बात के दवाइयाँ दे रहा है, हमें ठग रहा है, ठीक है? वो राक्षस के साथ मिलकर राक्षस बन रहा है। तो जो शैतान है अंदर, निगेटिविटी है जो अंदर, उसको कैसे निकालेगा डॉक्टर जब उसके बारे में ए बै स कै खै गै नहीं जानता? तो बोलो जय शनिदेव एक बार।